पहले तो ब्राह्मण सभा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने ये आयोजन किया है कि आज गरीब कन्याओं का विवाह संस्कार यहाँ पर और 9 जोड़ा जिसमें आज शामिल हुए हैं इनका आज विवाह संस्कार पाणिग्रह संस्कार। आज मैं राकेश शास्त्री कोटा मंदिर से हूँ और मेरे आचार्यत्व में आज यहाँ सारा कार्य किया गया है और बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज से जो पारंपरिक जो शास्त्र सम्मत जो कार्य था वो कार्य आज हमने यहाँ पर अपने ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न करवाया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा ब्राह्मण सभा के प्रधान अमन भरद्वाज जी को जिन्होंने ये कार्य प्रारंभ करवाया। आज इनके सानिध्य में दूसरा आयोजन हमारे मतलब ब्राह्मण सभा के द्वारा किया गया है। मैं सभी से अपील करूंगा कि सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्य को और आगे बढ़ावा दे जिससे हमारे ब्राह्मण सभा की और उन्नति हो और जागरूकता समाज में फैले। अमन जी, ब्राह्मण धर्मशाला में किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? भाई साहब, आज भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है, अक्षय तृतीया है, जो बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। तो भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज यहाँ सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है ब्राह्मण सभा पलवल द्वारा। कितने जोड़ों का जो है आज यहाँ 9 जोड़ों का विवाह है। कहाँ के बच्चे हैं, जिले के हैं, जिले से बाहर हैं? नहीं, पलवल जिले से भी है, फरीदाबाद जिले से भी है, बाहर से भी है, अन्य जिलों से भी है। तो कुछ ने दान दहेज जो बाहर सब लोग कुछ दिया गया जी, जो भी सभा की तरफ से ज्यादा सामान हम कन्या के दे सकते हैं वह हम प्रोवाइड करा। लोगों का भी इसमें कोई सहयोग रहा? क्या जी? आम लोगों का भी कोई सहयोग रहा इसमें आने जी, ये में? तो कन्यादान है, ये तो सब आप जैसे समृद्ध लोगों के सहयोग से ही होता है कन्यादान, तो सब बड़े बढ़ चढ़ कर करते हैं, इसमें सहयोग करते हैं। आगे भी आयोजन ऐसे होते रहेंगे? उम्मीद तो यही है जी, जैसे हमने पिछले वर्ष इस कार्यक्रम को शुरू किया था तो पिछली बार 6 जोड़ों की शादी हुई थी, इस बार 9 हुए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि और ये बढ़े आगे और हमें सेवा करने का मौका मिले लोगों। अमन जी, बतौर मुख्य अतिथि कौन आए कार्यक्रम में? बतौर मुख्य अतिथि हमारे हमने समाज के सभी गणमान्य लोगों को बुलाया। गौरव गौतम जी आके गए हैं, उत्कर्ष चौधरी जी भी आके गए हैं, कृष्ण पाल जी के भतीजे, थोड़ी बहुत देर में शायद विधायक दीपक मंगला जी भी यहाँ पधारने वाले हैं। कुछ कहना चाहेंगे ऐसे कार्यों को लेके? बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पुनीत कार्य करने का मुझे अवसर मिला, समाज की सेवा का मौका दिया। मैं तो चाहूंगा आगे भी मुझे ऐसे ही आप सबका आशीर्वाद सहयोग समाज का मिलता रहे, ऐसे पुनीत कार्य ब्राह्मण सभा द्वारा करती रहे।